यूपी के कन्नौज जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दो दिन में दो युवकों की हुई हत्या ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो दूसरे दिन पुलिस की घोर लापरवाही के चलते वकील खान नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गयी। घटना विष्णुगढ़ थाने के अल्हापुर गाँव की है। यहाँ रहने वाले मृतक वकील खान का कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले अरुण यादव से मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत वकील खान ने पुलिस से की थी। मृतक वकील खान के परिजनों ने विष्णुगढ़ थाने की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व अरुण ने वकील को पीटा था, जिसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण वकील की हत्या हो गयी। घटना की सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य इकट्ठे कराने शुरू कर दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजन के आरोपों की जांच कराई जाएगी। पहले एक यादव बेकाना पंडित बैठे थे हमारे तिवारी बैठे थे, उन जाके आपस में देवर हमारे बे आपस में बात कर रहे थे, तो जब बोले कहे कटिल्ला तो जाके अरे क्यों बैठे हो ये निखर, तो बे ना ही निखरे तिवारी बे निखरे ना ही, दोबारा फिर बोले कटिल्ला निखरना, तो जो सास हमारी निखर पा रही उन्हें कैसे कटिल्ला कटिल्ला कर रहे, इनके ऊपर हाथ चलाई दो जो अति गिर पा रही तल्ले उनके संगा चिपटा चिपटा कर फिर रोने लगी। हम दो लोग पुराने घर रहते हैं, तो उनसे निखर के आए हम, तब कही कटिल्ला निखर उनके इनके फिर चिपटा चिपटा कर होने लगी। हम दो लोग बे चले गए थाने, इनके इनकी मारकूट हो रही, तब वे तिवारी बे अपने घर चले गए बे बोले ना ही, तो जे अब तो उन्हें पुलिस आई जल्दी जल्दी इनके चोट लग गई, हमने थाने उन्हें कही तुम सरकारी अस्पताल में लेके जाओ, तो हम सरकारी अस्पताल लेके चले गए। उन्हें रिपोर्ट लिखी ना उन्हें कही तल्ले रिपोर्ट तुम्हारी थाने से नहीं आई है, तल्ले तुम्हारी हम दवा कोई नहीं कर पाई हैं, ठीक है मन तो चले आए। फिर वह चौकीदार दूसरों हो तो वो रिपोर्ट लेके गओ, फिर उन्हें डॉक्टर मिले ना, तब डॉक्टर कुछ देर बाद मिले उन्हें, अच्छा तब नहीं जा कर लगे कि जब डॉक्टर आएंगे तुम रिपोर्ट दिखाओ पनी दिखाओ, तो उन्हें नर्स देख चोट के चोट इनकी भीतरी चोट है ऊपर चोट नहीं है, हमने हाँ भीतरी चोट है इनकी भीत ऊपर ही है ना, तो हम लौटे आए। तो जो एक दिन पहले बोलो तो दूसरे तीसरे दिन बोलो क्या नाम है किनको किससे विवाद हुआ था अरुण को, किस बात को लेकर जय जय कटिल्ला ही बातें पड़ गए, तो शिकायत पुलिस से नहीं की थी? हाँ पुलिस तक गए थे हम, सर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने जय कह दिया कि उसे हमें पकड़ के दिखाओ, हमें तुम गाड़ी लेके पुलिस आओते हैं तो वे पहले हारन दिखा दे पर तो भाजी जात उनको ना, तो हम पे अरुण का नंबर है ना अरुण को हम जात तो है ना बहू घर की, हम उन्हें कहाँ पकड़ दिखाए दे हम है। कब विवाद हुआ था? जा आज एक दिन है शनिचर, हाँ आज आठ दिन हुई है समझ लिया, शिकायत वही दिन करे आए थे, फिर परसों दिन फिर हम गए इंस्पेक्टर से फोन करो हमने, तो वे जा कहने लगे हम गांव में हैं अब रुक के फोन करियो तो हमारी तेरे, तो हमने इनसे कही हमने लल्ला हमने जा कही हम पर रुक के फोन करियो, उन्हें कहना है अब तुम अब रान दो सवेर हो तब सवेरे देखे हैं उन्हें, ठीक हम चले आए। तो जो सवेरे आओ मेरी सास को पकड़ के हाथ खींचो कि तू ढोंग करती है काका, ढोंग करती कहीं मैं मारो कहीं कहाँ मारो हमें दिखा, शकील खान काका तो ही दिखिए तो ही गोली इतना मार दे, अब वकील का शकील गोली तो मरी है पहले, अब वकील खां को मठाओ ना है गुजरन दी, वकील खां को पहले गोली हम ही ना मार दे। ये वकील खां है, ये उम्र लगभग 40 साल है और अविवाहित थे, ये थाना बिशुनगढ़ के अंतर्गत रानापुर गांव आता है, जहां पर इनका कुछ दो तीन दिन से विवाद था, जिसमें एक अरुण यादव पे आरोप है कि इन्होंने पहले बुलाया था शाम को और इसके बाद इनकी हत्या कर दी। बॉडी को देखने से इसमें गले में और जगह चोटों के निशान हैं, इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड वगैरह आया है, पूरी हम लोग जाँच कर रहे हैं और तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते ही उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।